होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मोदी सरकार ने बढ़ाया 4% महंगाई भत्ता। अमित शाह ने कहा हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार। मोदी कैबिनेट का फैसला, उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी, 31 मार्च 2025 तक 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जूट किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कच्चे जूट पर एमएसपी बढ़ाकर 5,335 प्रति क्विंटल की गई। इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, 5 साल में 10,371 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में उन्नति योजना को मंजूरी, 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद। नेवी कोस्ट गार्ड को मिलेंगे 34 नए ध्रुव हेलीकॉप्टर, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में कश्मीर दौरे का अनुभव साझा किया, पीएम ने कहा श्रीनगर की जनता का उत्साह देखकर खुशी हुई। भारतीय वायुसेना अब और मजबूत होगी, मोदी सरकार ने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA को मंजूरी दी है। गोवा विधानसभा में एसटी के लिए सीट आरक्षित करने वाले विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा जारी है, आज और कल असम अरुणाचल बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम। आज शाम 4 बजे असम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, रात्रि विश्राम के बाद जीप सफारी और हाथी की सफारी भी करेंगे। कल अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग में सुबह 9:30 पर सेला टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी सिलीगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे, प्रस्तावित नए बागडोगरा टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज पहली बार बांटेंगे नेशनल क्रिएटर पुरस्कार, 8 श्रेणियों में दिए जाएंगे अवार्ड, सुबह 10:30 भारत मंडपम में कार्यक्रम। रूस के विरोध के बावजूद स्वीडन नेटो का 32वां सदस्य देश बना, वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने स्वीडन को शामिल करने का किया ऐलान। नेटो में शामिल होने के बाद स्वीडन के पीएम ने इसे आजादी की जीत की तरह बताया, स्वीडन को अब मिलेगा नेटो का सुरक्षा कवच। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वीडन का नेटो में किया स्वागत, कहा इस मौके पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, स्वीडन के पीएम ने बाइडेन से मुलाकात की। नेटो में शामिल होने पर जेलेंस्की ने स्वीडन को बधाई दी, कहा एक दिन ऐसा आएगा जब स्वीडन भी यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के लिए बधाई देगा। स्वीडन को लेकर नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया, स्वीडन को मिली नेटो के 5वें अनुच्छेद के तहत सुरक्षा। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूसी सेना ने दुश्मन के ठिकानों पर टैंकों से गोले बरसाए। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन अमेरिका से मिले ATGM का कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेनी सेना ने खार्किव में रूसी पोजीशन पर हमले का वीडियो किया जारी, यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का MLRS से हमला, रात में किए गए हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह। गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे इजरायली फोर्स का नया वीडियो आया सामने। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्व रक्षा मंत्री वालेरी ज़ालुज़नी को ब्रिटेन में राजदूत नियुक्त किया। रूस यूक्रेन जंग को लेकर चीनी विदेश मंत्री ने बातचीत से समाधान निकालने की दी सलाह, बातचीत जितनी जल्द शुरू होगी उतनी जल्द शांति आएगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज तुर्की के दौरे पर, एर्दोगन से काले सागर से अनाज की सप्लाई में रूस के लगाए अड़ंगे को लेकर होगी बात। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक, 10 राज्यों की 60 लोकसभा सीटों पर मंथन, 11 मार्च को फिर होगी वोटिंग। केसी वेणुगोपाल बोले केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप में सीटें फाइनल, औपचारिक घोषणा जल्द। कांग्रेस की बैठक में 40 उम्मीदवारों के नाम तय, वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ेंगे शशि थरूर, सूत्रों से खबर। कर्नाटक में मंत्रियों को चुनाव नहीं लड़ाएगी कांग्रेस, सिर्फ एक मंत्री को टिकट देने पर विचार, DK सुरेश लड़ेंगे चुनाव, खड़गे की कलबुर्गी सीट पर फैसला नहीं। भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, कोरबा से ज्योत्सना महंत लड़ सकती हैं चुनाव। कांग्रेस CEC की बैठक पर बोले सचिन पायलट, टिकट बंटवारे पर सकारात्मक चर्चा, सभी पहलुओं पर लोगों से राय मांगी गई, बहुत जल्द जारी होगी लिस्ट। राहुल गांधी ने युवाओं के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया है, 30 लाख सरकारी नौकरी, ट्रेनिंग को 1 लाख रुपए देने का वादा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, युवाओं को उद्यमी बनाने और पेपर लीक रोकने वाला कानून लाने की गारंटी। 16 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, 17 मार्च को शिवाजी पार्क में होगी जनसभा। अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, सीटों और उम्मीदवारों पर 1.5 घंटे तक हुआ मंथन। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात, करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। LJPR प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा 2014 में 7 और 2019 में 6
छह सीटों पर चुनाव लड़े थे और एक राज्यसभा सीट थी, इतनी भागीदारी तो बनती। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का दावा, 28 लोकसभा सीटों में से 24 जीतने जा रहे हैं। पेरू की राजधानी लीमा में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, चुनाव के लिए बनाए गए बोर्ड को भंग करने से नाराजगी। रूस के करेलिया में हमले की साजिश नाकाम हुई, रूसी खुफिया एजेंसी FSB ने संदिग्ध को स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया। हमास के खिलाफ जंग में जान गंवाने वाले इसराइल के 21 साल के सैनिक की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हमास इसराइल में सीजफायर और बंधकों की रिहाई पर बातचीत रुकने के बाद जॉर्डन ने राहत सामग्री को गिराए। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने वीडियो जारी कर अमेरिकी अब्राम टैंक्स को तबाह करने का दावा किया। गाजा में इजरायली सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हमास ने गुरिल्ला वॉर शुरू की। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बौखलाए रूस का निकोपोल में बारूदी कहर, शॉपिंग मॉल पर रूसी मिसाइल हमले में कई घायल। रूस के टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी पोजीशंस पर ताबड़तोड़ हमले किए, हमले में यूक्रेनी खेमे में भारी तबाही। केरल के पूर्व सीएम की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल, बोली कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं। पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी में शामिल हुए, कल कलकत्ता हाईकोर्ट से इस्तीफा देकर राजनीति में आए। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल को जस्टिस गांगुली जैसे लोगों की जरूरत। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली को ममता बनर्जी की चुनौती, जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से हराएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई। मूडीज ने विकास दर का अनुमान बढ़ाया, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला G20 राष्ट्र बना रहेगा। श्रीनगर से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी की गारंटी, गारंटी पूरा होने की गारंटी, एक ही परिवार पर फोकस से देश का विकास डी फोकस हो गया। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र नहीं, भारत का मस्तक है, मैं अदा करूंगा कर्ज, नए जम्मू कश्मीर की आंखों में उम्मीद। पीएम के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार, बोले भारत में नहीं रहा वंशवादी शासन, अगर 370 इतना ही बुरा था तो गुलाम नबी का भाषण सुने पीएम। मंत्री बनते ही बदले ओम प्रकाश राजभर के तेवर, बोले सीएम के बाद मेरे पास पावर, गब्बर सिंह समझो, कार्यकर्ताओं को पीला गमछा डालकर थाने जाने की सलाह। यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा स्थगित, 17 मार्च को होना था एग्जाम, अब जुलाई में होगी परीक्षा, 220 पदों पर होनी है भर्ती। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश, SIT ने योगी सरकार को सौंपी रिपोर्ट, हवाला के जरिए रकम लेने का आशंक। किसानों के समर्थन में देश भर से शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगी महिलाएं, 24 दिन से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हैं किसान। देशभर से दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान, जंतर मंतर पर धारा 144 लागू, किसानों का जंतर मंतर पर डेरा डालने का है प्लान। CBI ने मानव तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, रेड में 50 लाख कैश और संदिग्ध दस्तावेज बरामद। देश के कई राज्यों में DRI की बड़ी छापेमारी, मुंबई से गुरुग्राम रेड में 40 किलो सोना जब्त। गृह मंत्रालय ने कहा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति से बेरहमी से निपटा जाएगा। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली वालों को मिलेगी फ्री बिजली, 200 यूनिट तक मुफ्त, 400 यूनिट तक का बिल आधा होगा। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं, 19 मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा, शिंदे सरकार ने मराठाओं को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। देश भर में आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, शिव मंदिरों में भक्तों की सुबह से भारी भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती के बाद तड़के जलाभिषेक हुआ, मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। पंजाब के अमृतसर के शिवाला बाग भाइया मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता, जलाभिषेक के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में सुबह से दर्शन और पूजन के लिए भारी भीड़ जुट रही है, बेलपत्र के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक। पुरी के सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की शिव भक्ति, शिवरात्रि के मौके पर रेत से बनाए 500 शिवलिंग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सोलंग नाला में भारी बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। लखनऊ में कार सवार ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, कार में फंसी बाइक को कई मीटर तक घसीटा गया, घायल बाइक सवार अस्पताल में। दिल्ली में शादी से पहले जिम ट्रेनर की चाकू से गोद कर हत्या, 15 बार चाकू घोपा गया, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचा, टेस्ट में सबसे तेज
1000 रन बनाने वाले भारतीय बने, पुजारा गावस्कर को पीछे छोड़ा। गाजा जंग में इसराइल के 4 ब्रिगेडियर कमांडर, 39 प्लाटून कमांडर और 13 कंपनी कमांडर के साथ 6 लेफ्टिनेंट कर्नल की जान गई। गाजा से हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर 3 रॉकेट दागे हैं। दक्षिणी इसराइल में हमले के बाद धमाके हुए, कोई हताहत नहीं। और नॉर्थ गाजा के पास IDF ने हमास के टनल नेटवर्क पर विध्वंसक हमले को दिया अंजाम।